यूपी के बस्ती जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। योगी के कार्यक्रम से पहले ऑडिटोरियम में एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घुस गया। हालांकि ड्यूटी पर मौजूद सीओ ने शख्स को देख लिया और ऑडिटोरियम से बाहर निकाल दिया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी शख्स की पहचान कर ली गई है। सीएम की सुरक्षा में लापरवाही के चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने जिले के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। अन्य जिले के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए एसपी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। एसपी ने बताया कि बस्ती में सीएम का कार्यक्रम था। सीएम के पहुंचने से 45 मिनट पहले एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ऑडिटोरियम में घुस गया था। उन्होंने बताया कि 7 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। इनमें से 4 पुलिसकर्मी बस्ती, 2 सिद्धार्थनगर और 1 संत कबीर नगर में तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।